आगे बढ़ते हैं। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी का जन्मदिन आज है। मित्र और शुभचिंतक लगातार बधाइयां उनको दे रहे हैं जन्मदिन की। डॉक्टर जोशी आज सादगी से अपना 67वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। तस्वीरें भी लगातार आ रही हैं। आवास पर विप्रजनों ने स्वस्ति वाचन कर आशीर्वाद उनको दिया। ऑस्कर फर्नांडिस के निधन के चलते कोई बड़े आयोजन नहीं होंगे, बड़े कार्यक्रम नहीं होंगे। सादगीपूर्ण तरीके से वो जन्मदिन मनाएंगे। डॉक्टर जोशी आज किसी भी कार्यक्रम में शरीक नहीं होंगे। आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन करके आशीर्वाद लिया, उसी वक्त की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। डॉक्टर महेश जोशी दिन भर विधानसभा सत्र में व्यस्त आज भी रहेंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। डॉक्टर जोशी पूरे सादगी के साथ अपना 67वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। गोविंद देव जी अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए पहुंचे और वहां पर आशीर्वाद लिया, उसी वक्त की तस्वीरें आपको दिखा भी रहे हैं। कोई बड़े कार्यक्रम नहीं होंगे, अगर हालात सामान्य होते, एक तरफ कोविड भी है, लेकिन अभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडिस का निधन हुआ कल, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है कि कोई बड़े आयोजन कहीं पर भी नहीं होंगे। सादगीपूर्ण तरीके से मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी का जन्मदिन आज मनाया जाएगा। उनके समर्थक, उनके प्रशंसक, कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग अलग हिस्सों में सादगीपूर्ण तरीके से डॉक्टर जोशी का जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। गोविंद देव जी महाराज की कृपा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि पूरे जयपुर को, पूरे राजस्थान को, पूरे देश को स्वस्थ रखे, अच्छा रखे, जो समस्याएं उनका निराकरण कराने के लिए हमको ताकत प्रदान करे, और भगवान की कृपा रहेगी तो हम सब लोग अपना जीवन यापन अच्छे प्रकार से करते रहेंगे। मैं गोविंद देव जी के चरणों में नमन करता हूँ, अपने इष्ट देव जी के चरणों में नमन करता हूँ, और भगवान से के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि जिसने आज ये दिन दिखाया, जिस स्थिति में मैं हूँ आज, भगवान की कृपा से हूँ। गोविंद देव जी महाराज जो जयपुर के आराध्य देव हैं, उनकी कृपा से हूँ, अपने इष्ट देव की कृपा से हूँ, और जयपुर की जनता के आशीर्वाद और स्नेह के कारण मैं यहाँ हूँ। मैं सबको नमन करता हूँ।